तो क्या चल सत श्रीकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले आईपीएल फाइनल के बारे में। सो गाइस अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सीएसके ने आईपीएल फाइनल को जीत लिया है। मैं सभी लोगों के क्रेजी रिएक्शंस दिखाऊंगा, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी मैच। सो गुजरात फर्स्ट इनिंग्स में सीएसके को एक काफी बढ़िया टारगेट दिया ऑफ 215 एंड इसी के दौरान आईपीएल का हाईएस्ट वॉचिंग भी रिकॉर्ड हुआ ऑफ 3.2 करोड़। बट देन ऑफकोर्स द रेन वॉज बैक, कुछ देर के लिए बारिश हुआ, प्रैक्टिस पिचेस को कैसे सुखाया जा रहा था इसके ऊपर कुछ मीम्स भी बने। देन चेन्नई को टारगेट मिला 171 का फ्रॉम 15 ओवर्स एंड इनिंग्स एकदम बढ़िया चल रहा था, सब लोग अच्छा बैटिंग कर रहे थे एंड देन जब सिर्फ 22 रन चाहिए था तब एमएस धोनी बैटिंग करने आ गए एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। सभी लोग चाह रहे थे कि एमएस धोनी ये मैच को खत्म करे एंड आईपीएल ट्रॉफी को उठाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट बॉल में ही आउट हो गए एंड देन होता है फाइनल 2 बॉल्स जिसमें की 10 रन चाहिए होता है एंड गेस व्हाट गाइस, सर रविंद्र जडेजा डिड इट। जी हाँ, वो बैट से सीएसके को जिता दिए एंड फिर जो क्रेजी सीन्स हुए आप देख ही सकते हो, सारे प्लेयर्स रश करके उनको चढ़ा लिए शोल्डर में, एमएस धोनी भी उनके पास आ गए एंड दिस मोमेंट वाज कैप्चर्ड जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। नॉट ओनली दिस, जडेजा की वाइफ भी ये मैच देखने आई थी एंड शी गॉट वेरी इमोशनल जब उन्होंने विनिंग रन्स मारा। भाई साहब अब सीएसके ने रिकॉर्ड बना दिया ऑफ विनिंग 5 ट्रॉफीज, खाली मुंबई इंडियंस ये कर पाए हैं। तो चलिए अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसके के पेज से ये ट्वीट आया, वी लव यू जड्डू भाई, फिर वो ये भी कहे चैंपियन 5 स्टार्ट द विसल्स। देन गुजरात टाइटंस के पेज से ये ट्वीट आया, वी गेव इट आर ऑल, इट जस्ट वॉजेंट आर डे, कंग्रेचुलेशंस चेन्नई फॉर विनिंग दी आईपीएल। देन आशीष चंचलानी कहे भाई क्या खतरनाक मैच थी, वेल डन सीएसके, एब्सोल्युटली डिजर्विंग, एक मोमेंट बहुत दुख वाला था बट ठीक है। मॉर्टल कहे व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस सीएसके। अभ्युदय कहे सीएसके आर जस्ट बिल्ड डिफरेंट। टोटल गेमिंग बोले कुछ नहीं, गुजरात की टीम को गुजराती ने हराया। पंजाब किंग्स के प्लेयर लिविंगस्टन ने कहा दिस आईपीएल मैन व्हाट अ फिनिश। विराट कोहली भी कहे व्हाट अ चैंपियन रविंद्र जडेजा, वेल डन सीएसके एंड स्पेशल मेंशन टू एमएस धोनी। देन जडेजा भी अपने इंटरव्यू में बोले वी वुड लाइक टू डेडिकेट दिस विक्ट्री टू एमएस धोनी, दिस वाज फॉर हिम एंड ऑफ कोर्स फैंस को भी थैंक यू बोल। फिर गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने कहा एमएस धोनी डिजर्व्स इट, डेस्टिनी हैज रिटन फॉर हिम, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, ही इज द नाइसेस्ट आई हैव मेट, गॉड गिव हिम व्हाट ही डिजर्व टुडे। एंड फिर ऑफ कोर्स एमएस धोनी आए एंड वो अपने रिटायरमेंट के बारे में बात किए, जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो आकर बोले कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू से थैंक यू एंड मूव ऑन, बट उनको अपने फैंस से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि उन्होंने ये बोला आई नीड टू गिव देम अ गिफ्ट, इट वोंट बी इजी फॉर मी फॉर वन मोर सीजन बट आई विल वर्क माय बेस्ट। फिर फैंस जो उनके लिए हर जगह चैंट्स करते हैं उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने बोला माय आईज वर फुल ऑफ वाटर व्हेन एवरीवन वाज चैंटिंग माय नेम एंड या वो एंड में ये भी बोले कि उनके बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट सीजन खेलेंगे कि नहीं, बट वो अपने एंड से पूरा कोशिश करेंगे फॉर वन मोर सीजन। ये चीज सुनकर किसको किसको अच्छा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। सो गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि कैरी मिनाटी का न्यू वीडियो आज आने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये पोस्टपोन करना पड़ा, क्यों आप खुद उनसे ही रीजन सुन लीजिए। ओके गाइस, तो वीडियो में छोटा सा चेंज है, वीडियो आज की जगह कल आ रही है। रुको रुको, इससे पहले गुस्सा हो रुको, मेरी एक्सप्लेनेशन एक बार सुन लो। हमने एक्चुअली प्लान ऐसे किया था कि जैसे आईपीएल खत्म होगा उसके बाद वीडियो डालेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कल बारिश हो गई तो आईपीएल आज हो रहा है, तो उसके चक्कर में क्या होता है ना कि सब लोग आईपीएल देख रहे होते हैं और जो शाम की ग्रोथ होती है वीडियो की वो रुक जाती है। अब 2-3 महीने लगाए हैं उसमें, तो यार मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से जाए, तो इसलिए गाइस कल आएगी। सो सॉरी भाई, माफ कर दो यार मुझे प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड मनोज वाजपेयी के बारे में। तो आशीष चंचलानी इस चीज से थोड़ा ना खुश थे, जहाँ गाइज उन्होंने मनोज वाजपेयी का नया मूवी बंदा के ऊपर रिव्यू देते हुए ये ट्वीट किया द वन फिल्म दैट डिजर्व्स अ थिएट्रिकल रिलीज इज बंदा, आई डोंट नो हु थॉट दैट इट इज जस्ट एन ओटीटी फिल्म, दिस इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। जिसके नीचे खुद मनोज वाजपेयी भी रिप्लाई करते हुए कहे थैंक यू, जिस पर फिर आशीष कहे प्लीज जी स्टूडियोज, मनोज सर हैज इनफ स्टार पावर टू पुल पीपल इन थिएटर्स। सो या बेसिकली वो चाहते थे कि ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हो की ओटीटी पे। जिसके बाद एक ट्विटर यूजर ने ये दिखाया कि मनोज वाजपेयी की जो थिएट्रिकल रिलीजेस हैं उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना खास नहीं रहा है, बहुत सारे फ्लॉप मूवीज रहे हैं। तो देन आशीष चंचलानी बोले गैंग्स ऑफ वासेपुर, शूल, सत्य, बागी 2 कन्वीनिएंटली ये नाम गुम हो गए, सेइंग कि उनके जो बिगेस्ट हिट्स है वो ये लिस्ट में दिखाया नहीं गया है। इसके बाद शाहरुख खान का एक फैन पेज उनको टैग करते हुए कहा ये देख ले मोटू, जिस पर वो रिस्पॉन्ड किए शर्म करो भाई, शाहरुख खान के फैन हो और एक सेल्फ मेड स्टार को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एसआरके खुद कितना रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। एनीवे
इज टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, तो क्या उन्होंने केआरके के ट्वीट्स को टेक डाउन करवाया? वेल, केआरके कल ये ट्वीट करके बताया कि जो शाहरुख खान का कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उनके तरफ से उनको एक लीगल नोटिस आ गया है टू रिमूव हिज ट्वीट्स अबाउट द स्टोरी ऑफ जवान। तो इस पर वो कहे कि वो ट्वीट्स को नहीं रिमूव करने वाले, उल्टा वो इस चीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और एंड में उन्होंने कहा, आई एम 100% कमिटेड टू डिस्ट्रॉय दिस फिल्म एट एनी कॉस्ट, आई एम रेडी फॉर जेल ऑल्सो। एंड वो सही में अपने चैनल में इस टॉपिक के अराउंड एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्नेहा सचदेवा वर्सेस पारस ठकराल कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नेहा सचदेवा पारस ठकराल के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई थी, जहां पर पार्ट वन में उन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज के एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद पारस ठकराल भी अपने चैनल में रिस्पॉन्ड किए, उन्होंने दो वीडियोस भी बनाए। वेल, इसके बाद आज स्नेहा सचदेवा अपने चैनल में पार्ट टू रिलीज की, जहां पर वो पारस के अगेंस्ट चीटिंग एलिगेशंस लगाई। उन्होंने कुछ वॉइस मैसेजेस, वीडियोस, चैट्स वगैरह दिखाए, आप जाकर देख सकते हो। इसके बाद पारस ठकराल अपने स्टोरी में उनको रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहे, मैडम जी ने वीडियो डाली है तो मैं आपको बता दूं, जवाब हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और इसको भी जो तोड़ मरोड़ के जो चीजों को पेश किया गया और कुछ बोला गया कि हाँ भाई फ्लैट फ्लैट पे बुलाता था जो लड़की है ना, इसकी मैं सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके फेस के साथ दिखाऊंगा, इसने जो भी इसको कॉन्टेक्ट किया स्नेहा को, सब दिखाऊंगा, पूरी इसकी ऑडियो वीडियो सब दिखाऊंगा और इसका फेस भी दिखाऊंगा। ये सब ना सिर्फ सियानी बन रही है, क्योंकि इसके मैसेज और कॉल्स बहुत आते थे लड़की के मेरे पास, बहुत, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो इस वजह से इसने क्या करा कि हाँ भाई पारा सब तू गया, अब तूने मेरे से बात नहीं करी थी ना, अब तू गया। तो ऐसी वाली चीजें होने वाली है। बस इतना बोलना चाहूंगा कि परवरिश अच्छी हो लड़की की तब करना, अगर ऐसे घर में कहीं शादी कर ली ना भाई, बर्बाद कर देगी तुमको। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेनाइजर, क्या थी और कहाँ आ गए, 1.5 करोड़ दे दो, ये दे दो। भाई साहब 20-20 रुपए में चाय पीते थे हम साथ बैठ के, आज ये 1.5 करोड़ मांगने आ गई। तो बस ठीक है, अभी आएगी वीडियो अपनी, तो बी रेडी गाइज। एंड इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करते हुए सम्राट भाई भी ये ट्वीट किए, पारस और स्नेहा से बड़ा क्रिंज मैंने आज तक नहीं देखा, जो बातें प्राइवेट में होनी चाहिए वो इंटरनेट पर दिखा रहे हैं, और शर्त लगा लो 1 महीने के अंदर दोनों के वीडियोस प्राइवेट होंगे, कहो फिर से एक भी हो जाए। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रचित रू एंड एएस गेमिंग के बारे में। सो आपको याद होगा, रिसेंटली रचित रू ट्विटर में कुछ यूट्यूबर्स को चैलेंज किए थे कि मेरे साथ बॉक्सिंग मैच करो। वेल, उसके बाद एएस गेमिंग अपने व्लॉग में बताया कि उनका भाई इज इंटरेस्टेड टू डू दिस बॉक्सिंग मैच, बट रचित रू उल्टा बोल रहे हैं कि मेरे को तुम्हारे भाई से नहीं, तुमसे फाइट करना है। वेल, इसके ऊपर वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मेरे भाई को तुझसे लड़ना है, क्योंकि उसको भी फाइट करनी है। तो मेरे भाई को यार ऑब्वियसली सन्नी को आपको पता ही कितना बॉक्सिंग का बुखार है, तो मैंने उसको मैसेज किया एंड उस बंदे ने उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे डाल दिया पब्लिकली, एंड उसमें लिखा कि मेरे को एक बच्चे से नहीं लड़ना है, मेरे को किड से नहीं लड़ना है, और अगर हिम्मत है तो तू लड़िया, ये सब मेरे को चैलेंज कर दिया। ये क्या बात हुई भाई, अगर तूने चैलेंज किया है ठीक है कि तेरे को फाइट करनी है, बॉक्सिंग मैच करना है, तो भाई मेरा भाई तुझसे फाइट करना चाहता है, और अब तू मुकर रहा है, बात घुमा रहा है, क्योंकि उसने या तो भाई डर गया होगा, ऑब्वियसली डर ही गया होगा सन्नी को देख के भाई वही जाने भाई क्या बात है, क्योंकि अगर वो अपने वर्ड्स का पक्का होता ठीक है तो भाई एक्सेप्ट करता चैलेंज। अभी का अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरी रचित से बात हो गई है एंड उसको नहीं करनी है भाई फाइट सन्नी से, एंड फिर अब वो बोल रहा है कि मेरे से फाइट करनी है बट मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस स्टोरी रिलेटेड टू अ यूट्यूबर कॉल्ड अनटैलेंटेड गाय। नाउ ये उड़ीसा के काफी पॉपुलर रोस्टर है एंड इनके ऊपर करंटली एक काफी बड़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी हाँ, कल उनसे रिलेटेड ये न्यूज आया कि उनको एंड उनके साथ और 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इन अ शूटिंग इंसिडेंट। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जिनके ऊपर ओपन फायर किया गया वो अपेरेंटली अनटैलेंटेड गाय के वीडियो में कुछ कमेंट वगैरह कर दिए थे एंड वहां से झगड़ा चालू हो गया और ये इतना ऊपर एस्केलेट हो गया मैटर। नाउ एज आई सेड, इसमें करंटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उनका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया एंड ऑल्सो बोला जा रहा है कि प्रोबेबली उनका यूट्यूब चैनल को भी शट डाउन कर दिया जाएगा। एनीवेज, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, PIX सीरीज ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन खबरी बॉय ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन पीस प्लेयर ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली राज ग्रोवर ने कंप्लीट कर चुके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज, चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीमर आइस पोसाइडन के बारे में। नाउ आइस पोसाइडन एक काफी बड़े स्ट्रीमर है फ्रॉम द किक प्लेटफॉर्म एंड उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्रेजी चीज किया। जी हाँ, वो ट्वीट करके बताया कि वो माउंट एवरेस्ट में जब गए थे वहां पर एक जायंट फ्लैग उन्होंने किक का लगाया एंड या दे आर द फर्स्ट स्ट्रीमर्स टू डू दिस। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। सो मिस्टर बीस्ट अपना नया वीडियो रिलीज कर दिया एंड जैसा कि आप देख सकते हो, एक दिन में इसमें 50 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। बट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द वीडियो, उन्होंने ये कहा, न्यू वीडियो ऑलमोस्ट ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट व्यूज इन 24 आवर्स ऑन अ नॉन म्यूजिक वीडियो।
यस आई शुड डू मोर लाइक दिस एंड ऑफ कोर्स यार उनको ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं यूके टिकटॉकर मिजी के बारे में। सो शायद आप इनको जानते होंगे, लास्ट कुछ दिनों से मैंने इनके कुछ स्टोरीज कवर किए हैं जहां पर ये ऑलरेडी एक हफ्ता के अंदर दो बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। बट गेस व्हाट गाइस, वो बिल्कुल भी नहीं सुधर रहे हैं एंड फिर से वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज किए। आप खुद ये वीडियो में देख Hello, can I call the police? The people on the train. ये वीडियो के बाद तो लोग पूरा अपील कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके सालों तक प्रिजन में डाल देना चाहिए, क्योंकि दिस इज लिटरली क्रिमिनल बिहेवियर। वो बार बार क्राइम कर रहे हैं, बार बार लॉज को ब्रेक कर रहे हैं। एनीवेज तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहां से सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।